हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसा आपको पता है, विंटर सीज़न आ चुका है और विंटर सीज़न के लिए आज मैं कुछ स्पेशल, सबको पता है बट कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ध्यान नहीं देता इस पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही आपके वीडियोस में रिव्यूज़ लाता रहूँगा। और बेल आइकन भी दबाएँ जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो अब बात करते हैं आंवला कैंटी के बारे में। ये विंटर सीज़न में स्पेशली खाने के लिए बनाई जाती है और विंटर सीज़न में ये काफ़ी इजी हो जाती है ये, और टेस्टी ऑप्शन भी है एक खाने का इसको। और जैसा आपको पता है कि ये स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए और यहाँ तक कह लो कि ओवरऑल बॉडी प्रॉब्लम्स के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये इसको खाने का तरीका है, ये आपको आप मील के बाद ले सकते हो और इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आजकल गूगल इज़ द मास्टर, आप गूगल से आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट मेरा ये इसका रिव्यू सिर्फ इतना है कि ये मैं पहले भी काफ़ी यूज़ करता था विंटर्स में और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेट इससे एकदम साफ़ हो जाता है, कि जिसको कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो कंस्टिपेशन इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यहाँ तक कि देखा गया है कि ये आंवला खाने से जिसको आइज की आई साइट में जिसको प्रॉब्लम है वो भी ठीक हुई हैं, और जिसको किसी किसी को वीकनेस आ गई है किसी भी कारण से, वो वीकनेस इससे 2 दिन में ही ठीक। जैसे अभी रिसेंटली मुझे ही वीकनेस आ गई थी, जैसे विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ है मुझे फीवर हल्का सा हो गया था और काफ़ी वीकनेस आई थी। तो ये 2-3 दिन ही मैंने इसको खाया और मैं ठीक हो गया। तो और काफ़ी एपेटाइट इंक्रीज होती है इससे एपेटाइट, और भी ओवरऑल काफ़ी बेनिफिट्स हैं। ये आपको 150 रुपये की पड़ जाएगी एंड इट्स अ बेटर ब्रांड पतंजलि, आप सब जानते हो पतंजलि को। सो गाइस, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं और ये भी बताइएगा कि और आप किस वीडियो पे किस पे किस प्रोडक्ट पे आप रिव्यू चाहते हो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुका हूँ। एज आई वॉज एथलीट, आई एम अ नेशनल फॉर्मर एथलीट, सो सप्लीमेंट्स की काफ़ी मुझे नॉलेज है। तो मैं भी ऐसे करता रहूँगा रिव्यूज़। आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किस पे आपको रिव्यू चाहिए, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक न्यू वीडियोज़, न्यू रिव्यूज़। सो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।